हाँ, तो 1987 से लेकर 2007 तक भारत को एशियाई चैंपियनशिप में एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था 20 वर्षों में, और कहाँ एक ही चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक। सर ब्रिजभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। सर बहुत बहुत बधाई आपको, और इसका कारण बताइए कि क्या इसका रहस्य क्या है। देखिए, अब हमारे देश के बच्चे विदेश यात्रा के लिए कुश्ती नहीं खेलते, अब ओलंपिक के मेडल के लिए कुश्ती खेल रहे हैं। और ये चेंज आप कह सकते हैं, जब सुशील का मेडल आया, योगेश्वर का मेडल आया, साक्षी का मेडल आया, फिर देश की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया, आर्थिक सामाजिक जिस प्रकार से उनका मान सम्मान बढ़ा, तो आज ये हमारी भूख जो है खिलाड़ियों में ये ओलंपिक के मेडल की है। और प्रसन्न तो मैं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है 3-4 गोल्ड मेडल मेरे जेब से निकाल कर कोई लेकर चला गया। तो अब हम ये उम्मीद करें कि जितेंद्र ही पहले एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 74 किलो में प्रतिनिधित्व करेंगे देश का। देखिए, जिस समय मैंने ट्रायल कराया था उस समय मैंने कहा था कि ये ट्रायल ओलंपिक के लिए ज़रूर है, लेकिन एशिया चैम्पियनशिप और जो रैंकिंग टूर्नामेंट है उसमें परफॉर्मेंस हम देखेंगे। अगर किसी का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो हम ट्रायल कराएंगे। मैंने अपनी नीति बना रखी थी, और जो हमारी नीति थी उसमें केवल एक ग्रीको रोमन का 60 वेट कैटेगरी का ट्रायल आता है, और दूसरा लड़कियों में 62 आता है और लड़कियों में 76 आता है, बाकी कोई ट्रायल बनता नहीं है। इसलिए एक मौका इनको दिया जाएगा, और जब यहाँ क्या पोजीशन होती है उसके बाद आगे विचार किया जाएगा। सर, आप एशियाई कुश्ती महासंघ के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस हैसियत से आपसे एक सवाल है कि इस बार यूरोपियन चैंपियन ने भी भाग लिया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, इलियास, जो आपको याद होगा प्रो रेसलिंग लीग में पंजाब टीम का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है, इस दिशा में क्या आप सोच रहे हैं? मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी आप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ भारत के पहलवानों की कुश्ती देखता हूं और मेरा दिमाग सिर्फ मेडल पर रहता है। ठीक सर, धन्यवाद। तो ये थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि उनका पूरा रुझान जो है भारतीय कुश्ती या भारतीय पहलवानों तक सीमित है, और एशियाई कुश्ती के बारे में बात वो करेंगे बाद में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।